भाई हम बात करने वाले हैं बोया BY-M1 माइक की, जो माइक मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आप बट उससे पहले आप सर की बात सुन लो यार एक बार प्लीज। बोया BY-M1 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर माइक है, और जो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है उसी के साथ उसकी डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा होती है, पायरेसी ज़्यादा होती है। कैसे आप एक ऑथेंटिक बोया BY-M1 माइक का पता लगाएं? जो फेक बोया होगा ना, उसका जो बोया लिखा होगा उसके ऊपर आर करके ना रजिस्टर्ड की ब्रांडिंग होगी, वैसा कभी भी ओरिजिनल माइक के साथ नहीं होता है। साथ ही जहाँ पे उसका MRP वगैरह बैक साइड पे लिखा रहता है ना, जो फेक होगा उसमें सिर्फ मेड इन चाइना लिखा होगा, ज़्यादा डिटेल्स नहीं होंगी। एंड आप हमेशा मेक श्योर करें कि आप अच्छी जगह से लें, और जब भी आप अपना प्रोडक्ट लें तो आप ऑथेंटिसिटी चेक करें। बोया की वेबसाइट पर जाके आप नीचे सपोर्ट में जाके सपोर्ट में कह रहा हूँ, वहाँ पे आप सिक्योरिटी चेक में जा सकते हो। आप वहाँ पे जो कोड होगा उसको स्क्रैच करके डालेंगे तो आपको उसे पता चल जाएगा आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है। साथ ही वहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, हाउ टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी स्टिकर करके, उसमें आपको पता लग जाएगा ये कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फेक है। अमेज़ॉन से जेन्युइन प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, साथ ही जो अमेज़ॉन की कस्टमर जो सर्विस है ना, जो उसकी रिप्लेसमेंट एंड रिटर्न पॉलिसीज़ है वो काफ़ी अच्छी है, हमेशा कस्टमर के फेवर में रहती है। तो अमेज़ॉन बेस्ट रह सकता है अगर आपको परचेज़ करना है। एंड साथ ही मोस्टली बहुत सारे इसके रिव्यूज़ ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, सबको पता है इस माइक के बारे में। तो बस मैं ये वीडियो बना रहा था कि आप ऑथेंटिसिटी कैसे चेक कर सकते हैं, बिकॉज बहुत से भाई फ्रॉड होते हैं उनके साथ, वो सस्ते के चक्कर में किसी दूसरी वेबसाइट से या कहीं लोकल शॉप से ख़रीद लेते हैं। यार अमेज़ॉन पे तो महंगा मिल रहा है, वहाँ पे सस्ता है, बट ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं कि आपको एक फेक प्रोडक्ट मिल सकता है। अगर आप बाहर से परचेज कर रहे हो तो आप इन बातों का ध्यान रखो, आप बच सकते हो एक फेक प्रोडक्ट लेने से। तो ये वीडियो थी भाई, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।